एस न्यूज लाइव में खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पांच लाख की फिरौती के लिए किया अपहरण, बादलों की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, बारिश के कारण बोरी करौली पुल बहा। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। औरंगाबाद के कोपर गांव में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग करते हुए 35 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण करने की घटना 15 जुलाई को कोपर गांव बस स्टैंड पर घटी। इस मामले में अज्ञात लोगों ने सफेद रंग की इर्टिगा कार से सचिन वसंत जाधव नामक व्यक्ति को अगवा कर लिया था। प्रमिला प्रवार नाम के महिला के कहने पर अपहरण किया गया था। ऐसा मामला अपहरण हुए व्यक्ति की पत्नी भावना सचिन जाधव ने शहर पुलिस थाने में दर्ज किया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरी खबर, मानसून और बादलों की बेरुखी ने हर किसी की पसीने छुड़वा दिए। जलगांव नासिक जिले में शनिवार और रविवार सबसे गर्म दिन महसूस किया गया। बारिश नहीं होने से सबसे ज्यादा प्रभावित किसान नजर आ रहा है। अपने खेतों में किसान ने बेहतर गुणवत्ता एवं अधिक दाम के बीज की बुआई कर दी है, मगर अभी तक जोरदार बारिश नहीं हुई। अब इल्ली व अन्य कीट का प्रकोप लगने की चिंता सताने लगी। हालांकि कुछ दिन पहले बारिश जरूर हुई थी, लेकिन तेज गर्मी और उमस ने फसलों की हालत खराब कर रखी है। तीसरी खबर, औरंगाबाद के बोरी में 14 और 15 जुलाई की हुई बारिश के कारण बोरी से करौली तक सड़क पर बना पुल बह गया है। भारी बारिश के कारण पुल का आधा हिस्सा बह गया है। करौली के निवासियों ने मांग की है कि रात और दिन में पुल के बह जाने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और दुर्घटनाओं को जल्द से जल्द टाला जाना चाहिए, इसलिए पुल का निर्माण जल्द हो, ऐसी मांग करौली ग्राम निवासी कर रहे हैं। खास खबरों को यही विराम देते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।